भारत की समंदर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली में नौसेना का सम्मेलन शुरू हो रहा है। हिंद महासागर में चीन लगातार चालबाजी कर रहा है, ऐसे में नौसेना का ये सम्मेलन बेहद अहम है। नौसेना के 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल पर भी चर्चा और मंथन होगा। समंदर की सुरक्षा करने वालों की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। नौसेना के कमांडर स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए चल रही पहल का भी आकलन करेंगे, क्योंकि 2047 तक नौसेना को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है। आगे के महीनों में क्या दिशा अपनाई जाए, सम्मेलन में इस पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में परिचालन, सामग्री, रसद, मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक कामों की समीक्षा भी होगी। साल में 2 बार होने वाला ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार भी शामिल होंगे।